स्टोरमेंट नाम सर्वर मैं जबकि लेके आया हूँ न्यू ऑल्टो K10 की यार मॉडिफाइड एक्सेसरीज। तो ये देखिए सबसे पहले जो मैंने व्हाइट कलर की ऑल्टो K10 में ब्लैक कलर की बेंटले ग्रिल को प्रॉपर स्टेशन किया हुआ और साथ ही जो इसकी हेडलाइट है इसमें भी हमने DRL को इंस्टॉल किया हुआ है देखिए जिसको हम स्ट्रिप DRL बोलते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी एक्सेसरीज आपको ऑनलाइन परचेज करें तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मुझे करना है मैसेज, मैं आपको बताऊँगा क्या इनका प्राइस और कैसे कैसे आपके पास तक पहुँचेंगे। तो देखिए इसमें हम आपको 3 टाइप की ग्रिल, साथ ही 1 टाइप की रूफ रेल और साथ ही हम इसमें आपको प्रॉपर स्पॉइलर भी दिखाने वाले हैं। साथ ही इसकी जो रूफ रेल है वो हम आपको 2 टाइप की दिखाएंगे। इसमें देखिए HID फॉग लाइट भी किए हैं, साथ ही हमने एटमॉस्फेयर लाइट भी लगाई हुई है। तो देखिए ये हमारे पास ऑल्टो K10 कार और इसमें हम प्रॉपर अभी क्रोम बेंटले ग्रिल को भी इंस्टॉल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आपको क्रोम बेंटले ग्रिल किस टाइप से इंस्टॉलेशन करनी है। सेम प्रोसेस से आपको जो हमने ब्लैक ग्रिल दिखाई हुई है वो भी इंस्टॉलेशन करनी थी। तो देखिए जो पहली ग्रिल है वो हमने कही थी ब्लैक, अब हम करेंगे न्यू ऑल्टो K10 की क्रोम ग्रिल को इंस्टॉल। देखिए कुछ आपसे इस टाइप से आपको बॉक्स में पैकिंग के साथ मिल जाती है। इनको इंस्टॉलेशन करना बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कोई भी ग्रिल जो इस गाड़ी में हम लगाएंगे, जिससे 3 टाइप की लगाएंगे, तो इनमें से अगर कोई भी आपको परचेज करनी हो उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ पर जाओ जाकर करो हमें मैसेज, सीधा आपको बताऊँगा क्या उनका प्राइस और कैसे कैसे आपके पास तक पहुँची। देखिए इसके पीछे हमने दिया होता है 3M का टेप, उस टेप को आपने प्रॉपरली करना है रिमूव करने के बाद आपकी इस कार में आपको बिठा दे रहा है। तो साथ ही इसके पीछे हम एक ऑल्टो K10 का डिफ्यूज़र भी इंस्टॉलेशन करेंगे और वो भी आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें बेंटले ग्रिल को इंस्टॉल कर देते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है इसको इंस्टॉलेशन करना। तो ये देखिए प्रॉपर इस टाइप से बिठा देना है और बिठाने के बाद एक बार हम आपको साइड प्रोफाइल लुक और फ्रंट से भी लुक दिखाएंगे कि ये जो ग्रिल है आगे से लगने के बाद कितना अमेजिंग प्रोडक्ट आपको नज़र आता है। देखिए जो क्रोम ग्रिल है वो मैंने आपको दिखा दी है, सेम आपको ब्लैक में भी प्रोवाइड थी और ये देखिए जो प्रॉपर लगने के बाद कुछ नज़र दे रही थी आपको फ्रंट से। तो ये देखिए ये है आपका ऑल्टो K10 का रियर अल्फा डिफ्यूज़र। ये देखिए बॉक्स हमने कर लिया है बाहर, था थैली से भी बाहर कर लिया है। इसको हम 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट करके आपको दिखा भी देते हैं कि इसके साथ जो ये देखिए सुजुकी स्पोर्ट्स लाइट में होता है ये आपको लाइट प्रॉपर जलती हुई नजर आएगी। साथ ही इसको हम प्रॉपर गाड़ी में भी इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे कि गाड़ी में लगने के बाद ये किस टाइप का लुक प्रोवाइड करता है और प्रॉपर फिटिंग के साथ ये मिल जाती है। देखिए जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे तो ये आपको सुजुकी स्पोर्ट्स कुछ इस टाइप से चलता हुआ नजर आएगा। ये देखिए आपको प्रॉपर क्रोम की क्वालिटी, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी मिल जाती है। और ये देखिए लाइट जो कि इंपोर्टेड LED लाइट है जिसमें आपको फॉर सुजुकी स्पोर्ट्स लिखा हुआ नजर आएगा। ये डिफ्यूज़र ओनली फॉर ऑल्टो K10 जो कि आपका 2014 मॉडल से लेकर 2022 मॉडल तक है, वो आपको ये ऑल्टो K10 ग्रिल की फोटो मैंने पहले इंस्टॉलेशन की हुई और साथ ही डिफ्यूज़र आपको इस टाइप से कुछ देखने को मिलेगा। चलते हैं अभी इस पीस को लेकर सीधा गाड़ी के पास और गाड़ी में भी इस पीस को हम प्रॉपर करेंगे इंस्टॉल और आपको दिखाएंगे कि गाड़ी में लगने के बाद ये जो आपका डिफ्यूज़र ये आपको किस टाइप का लुक प्रोवाइड करता है। तो देखिए इसको लेके चलते हैं सीधा गाड़ी के पास और गाड़ी में इसको इंस्टॉलेशन करना बहुत सिंपल, बहुत आसान है। इसके पीछे हमने दिए होते हैं 4 सेल्फ स्क्रू, उन स्क्रू को आपने टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद जो इसकी ब्रेक लाइट है, जो टेल लाइट है, इसके थ्रू आपने गाड़ी में इंस्टॉलेशन कर लेना। तो ये देखिए आपकी गाड़ी में प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। एक बार देखते हैं, हम जूम करके आपको दिखा भी देते हैं जो सुजुकी स्पोर्ट्स लिखा हुआ है ये प्रॉपर आपको किस टाइप से चलता हुआ नजर आता है। ये देखिए एक मिनट जूम करके हम आपको दिखा देते हैं। तो अगर ये भी परचेस करना है प्रोसेस सेम है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर हमें करना मैसेज। तो अब देखिए अब हम आपको दिखाने वाले हैं सीधी जो तीसरे टाइप की ग्रिल है। 2 टाइप की ग्रिल मैंने आपको दिखाई हुई है पहले, ब्लैक और क्रोम। अब हम दिखाएंगे आपको अल्फा ग्रिल। ये देखिए अल्फा ग्रिल का बॉक्स है, ये फोम में आपको पैक मिलती है। इस फोम को बाहर करने के बाद फोम से फिर हम इसको प्रॉपर इंस्टॉल करेंगे। इसको आपको 4 4-पीस LED भी इस ग्रिल में देखने को मिल जाती हैं और वो जो LED हैं उनको आपने हेडलाइट या फॉग लाइट के साथ ही कनेक्ट करना है। ये देखिए कुछ इस टाइप से प्रॉपर गाड़ी में फिट हो जाती है। अभी इसकी नंबर प्लेट है क्योंकि हमने इसमें प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं की है, क्योंकि अभी हम वीडियो के एंड में आपको दिखा भी देंगे कि हमने इसमें करना है क्रोम ग्रिल को इंस्टॉल। बट ये एक सैम्पल पर्पज से हम आपको दिखा रहे हैं कि इस गाड़ी की ये ग्रिल हमारे पास अवेलेबल है। तो देखिए इसको भी इंस्टॉलेशन करना बहुत सिंपल और आसान है। इसके पीछे हमने दिया होता है 3M का टेप, उस टेप को करना है रिमूव करने के बाद गाड़ी में बिठा देना है। तो ये देखिए ये जो ग्रिल है ये प्रॉपर इंस्टॉलेशन अभी इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हमने इसकी नंबर प्लेट को रिमूव नहीं किया है। बट हम आपको एक वीडियो या फोटो के थ्रू ये दिखा देते हैं कि ये प्रॉपर गाड़ी में लगने के बाद जो नंबर प्लेट है ये ऑल्टो K10 के नीचे आ जाती है तो किस टाइप का लुक प्रोवाइड करती है। इसके लिए हमने पहले ये गाड़ी में इंस्टॉलेशन की थी पहले, तो उसकी जो फोटो वो आपको दिखाया था। ये देखिए ऑल्टो K10 की ग्रिल आपको प्रॉपर गाड़ी में लगी हुई कुछ इस टाइप का लुक प्रोवाइड करती है। ये देखिए फोटो भी मैं एक बार डाल देता हूँ कि ये कुछ इस टाइप से आपको नज़र आती है। ये देखिए ये है आपकी ऑल्टो K10 गाड़ी में लगने के बाद इस टाइप की नज़र आती है।
तो देखिए अब हम करेंगे इसमें प्रॉपर आपकी रूफ रेल को इंस्टॉल। रूफ रेल जो है वो बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन होता है। प्रॉपर आपने अपनी रूफ की जो एरिया है उसको नीट एंड क्लीन कर लेना है। करने के बाद फिर आपने जो इसके पीछे दिया होता है 3 नंबर टेप उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद जिस एरिया को प्रॉपर फिटिंग के साथ आती है वहाँ पे आपने बिठा देना है। सिर्फ रखने से पहले आप दोनों पीसों को रख लें रूफ पे, ताकि कोई भी जो रूफ रेल है वो आगे और पीछे ना हो सके। और इसके साथ ही हमने 3 नंबर टेप भी दिया होता है। उस 3M के टेप के जो प्राइमर है, प्राइमर को भी 3M के टेप के नीचे ही यूज करा दिया। देखिए ये हम प्रॉपर इसको भी रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद बिठा देंगे कुछ इस टाइप से। ये देखिए ये आपकी प्रॉपर इस टाइप से बैठ गई। और सेम पीस को अभी हम लेके चलते हैं दूसरी साइड बिठा के फिर इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक प्रॉपर वीडियो के थ्रू दिखा भी देंगे कि ये गाड़ी में लगने के बाद किस टाइप का लुक प्रोवाइड करती है। देखिए ऑल्टो कैटरन की ये है रूफ रेल, जो कि ओनली फॉर ऑल्टो कैटरन की है। ये देखिए बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की ये रूफ रेल है। ABS प्रोडक्ट है विदाउट पेंट। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई स्क्रैच नहीं आएंगे, किसी प्रकार की कोई डेंट नहीं नज़र आएगा। और ये जो आपकी जितनी भी छोटी कार है, जैसे ऑल्टो, ऑल्टो कैटरन या फिर आपकी मारुति सुजुकी की स्विफ्ट या जो कोई भी छोटी कार यून वगैरह या जो इग्निस है, उन सब में ये रूफ रेल प्रॉपर फिट हो जाती है। और ये देखिए गाड़ी के जो रूफ़ है वो कितना प्यारा लुक देती है। साइड प्रोफाइल लुक भी गाड़ी का काफ़ी डिसेंट नज़र आता है। तो ये देखिए ये जो रूफ रेल हो गई, ब्लैक क्रोमकेट हो गई, अल्फा ग्रिल हो गई, और साथ ही मैंने आपको दिखाई थी क्रोम ग्रिल। तो ये देखिए अब हम इस जो ब्लैक कलर की गाड़ी थी इसमें जो DRL स्ट्रिप थी इसके साथ ही हमने एटमॉस्फेयर लाइट को भी गाड़ी में इंस्टॉल किया हुआ है। चलते हैं सीधा वहीं लेके और आपको गाड़ी के अंदर भी दिखाएंगे कि जो एटमॉस्फेयर लाइट है वो गाड़ी में लगने के बाद जो गाड़ी का लुक है उसको कितना ज़्यादा अमेजिंग बनाती है। ये देखिए ब्लैक ग्रिल के नीचे मैंने एक और लाइट को इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि आपकी नाइट में बहुत ही ज़्यादा रोशनी देती है फ्रंट से। और HID फॉग लाइट भी इस गाड़ी में लगी हुई है। और साथ ही देखिए एक बार हम अंदर चलते हैं और अंदर आपको दिखाते हैं कि जो हमने एटमॉस्फेयर लाइट लगाई हुई है उनसे गाड़ी के जो अंदर का लाइटिंग है वो किस टाइप की है। तो ये देखिए प्रॉपर ये हमने भी दिन में फिट की है। नाइट लुक इसका किस टाइप का आएगा ये देखिए एक बार हम आपको नाइट का भी लुक दिखा देते हैं। नाइट में आपको कुछ इस टाइप से जलती हुई नज़र आएंगी। ये देखिए नाइट में जैसे ही आप साउंड बजाएंगे या कोई गाना बजाएंगे तो ये प्रॉपर आपको उस टाइप से जलती हुई नज़र आएंगी। साथ ही हमने दूसरी लाइट को भी इंस्टॉल किया हुआ है, वो भी देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये होती है एटमॉस्फेयर लाइट, वो है आपकी DJ लाइट। सारे एसेसरीज हमारे पास अवेलेबल है। कोई भी एसेसरीज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर मैं करना मैसेज। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तो के लिए बाय, टेक केयर।